आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना विंध्य प्रेजेंट्स विंध्य की कचहरी। विंध्य की कचहरी स्पॉन्सर बाय साक्षी शिक्षण संस्थान बढ़ौरा, पावर्ड बाय प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी सीधी, को पावर्ड बाय हम लोग फैमिली शॉप गांधी चौक सीधी, राधिका आर्ट प्रिंटिंग प्रेस एवं फ्लेक्स मध्यांचल बैंक के सामने सीधी। नमस्कार, अभिनंदन प्रणाम। विंध्य की कचहरी में आप तमाम लोगों का अभिनंदन है और आज एक बार फिर से हम ऐसे व्यक्तित्व के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हैं जो सामाजिक रूप से आप तमाम लोगों से जुड़े हुए हैं, जिनकी राजनीतिक शुरुआत 1975 से हुई, यानी लगभग 4 दशक पूरे हो चुके हैं राजनीति पर। हर युवा, हर वर्ग के, सर्वहारा वर्ग के साथ हितैषी भरी नज़रों के साथ, लोगों के साथ रहते हैं। आज ऐसे ही व्यक्तित्व आज हमारे बीच में हैं। मैं अभिनंदन करूंगा श्री बहादुर सिंह चंदेल जी का आज के इस विंध्य की कचहरी। और विंध्य की कचहरी पर आज निर्णायक की भूमिका पर हमारे बीच में हैं डॉक्टर कमलेश प्रताप मिश्र जी। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर कमलेश प्रताप। आज की कार्यवाही शुरू हो उससे पहले आज के आदरणीय जज से मैं आग्रह करूंगा कि आज के कार्यवाही की शुरुआत की इजाज़त दी जाए। सवालात और इल्जामात का सिलसिला जारी हो उससे पहले आज के हमारे कटघरे पर उपस्थित हमारे मेहमान शिव बहादुर सिंह चंदेल जी के राजनीतिक करियर पर एक नज़र। लगभग 4 दशक से राजनीति में सक्रिय शिव बहादुर सिंह चंदेल ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत पंचायती चुनाव से की, जहां 1979 में पहली बार सिहावल से जनपद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए पूर्व मंत्री स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार के सदैव विरोधी रहे शिव बहादुर सिंह 2018 के विधानसभा चुनाव में सिहावल विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी रहे, लेकिन कमलेश्वर पटेल से बड़ी अंतराल में हार का सामना करना पड़ा। श्री चंदेल का पूरा परिवार राजनीति से ताल्लुक रखता है, जहां पंचायती चुनाव में सरपंच, जनपद और जिला पंचायत की उम्मीदवारी करते नजर आते हैं और सफलता भी मिली। अपने राजनैतिक सफर ने श्री चंदेल कई बार जनपद सदस्य निर्वाचित हुए, भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष रहे, सहकारी समिति के अध्यक्ष रहे। शिव बहादुर सिंह चंदेल विंध्य की कचहरी में अपनी पैरवी खुद करेंगे। सवालात और इल्जामात का सिलसिला यहीं से जारी होता है और सीधे सीधे हम सवाल पर आते हैं कि आपने कई बार पार्टी का परिवर्तन किया है। पहले आप भाजपा में थे, फिर आप बीएसपी पे आए, बहुजन समाजवादी पार्टी पे आए, फिर भाजपा पे आए, तो बार बार पार्टी बदलने का जो रवैया है, इस तरह से कैसे पब्लिक आप पर विश्वास जता पाएगी? देखिए, मैंने बार बार पार्टी नहीं बदली जी। मैं छोटे से परिवार का व्यक्ति हूँ जी। ये जरूर है कि राजनीति से मेरे पिताजी भी जुड़े हुए थे जी, और उन्हीं का सिखाया हुआ चेला मैं भी हूँ जी। बहुत छोटा था तब से राजनीति में आया। पहले हमारे पिताजी हमसे आवेदन पत्र लिखाते थे, लोग आते थे तो बैठो, इनका आवेदन लिखो, ये काम मेरा था। धीरे धीरे मैं सीखने लगा, थोड़ी ट्रेन हो गया, छोटे छोटे चुनाव लड़ते थे। मैं 1980 में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके पहले अन्य पार्टियों के नाम से थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, तब मैं उस पार्टी का सदस्य हुआ। मैं और केदारनाथ जी शुक्ला एक साथ बिल्कुल उसी में सदस्यता लिए थे जी। और पार्टी ने दायित्व भी दिया हमको, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं केदार जी अध्यक्ष थे जिले के, तब सिद्धीर सिंगरौली एक जिला था, अब मैं महामंत्री था। आप लोग तो छोटे रहे होंगे, याद नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमने सीधी, हम लोगों ने एक आंदोलन किया था सीधी जिले का, जिले में जेल भरो आंदोलन। इतना बड़ा आंदोलन आज तक किसी ने नहीं किया होगा, ना उसके पहले ना उसके बाद। ये स्थिति थी कि जेल में जगह नहीं थी, जेल में रखा गया, हम लोगों को जगह नहीं थी, हम लोग फील्ड में बैठे थे। और कुछ शब्दों का वो हुआ हमारे, और
अपने एसपी साहब के कलेक्टर साहब के बीच में, तो स्थिति ये पैदा हुई कि हमारे सब कार्यकर्ता इतने उत्तेजित हुए कि उन्हें लिप्टिस के पेड़ थे, ध्यान दिए होंगे आप इसमें, जेल रोड में जी, पटरा रोड में, हाँ बहुत सारे थे तब जी, अब तो बहुत कम ना के बराबर हो गए, बहुत सारे पेड़ थे एक तरफ से। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने एक पेड़ उखाड़ दिया पूरे, अब कलेक्टर एसपी को माफ़ी मांगनी पड़ी कि हमने गलती की। हमारा अगर एक गांव से एक कार्यकर्ता आया तो बस गई छोड़, ये केदार जी की कृपा थी, क्योंकि वो हमारे साथ थे, हमारे लोगों के साथ थे जी, और उसको बेइज्जती मान के उन्होंने ऐसा किया। और जब तक हमारे कार्यकर्ता वहाँ से नहीं चले गए तब तक हम लोगों ने उसी स्थिति में उनको वो जवाब देते रहे। उस दिन से ऐसा लगा लोगों को कि ये प्रतिनिधित्व करने के लायक है, लेकिन संयोग है सबका होता है। कुछ दिन बाद हमारे केदार जी का ये वो हो गया, मतलब बर्खास्त कर दिया गया हमारा बोर्ड है, ये कहिए बर्खास्त कर दिया उन्हें बोर्ड। थोड़ा सा तकलीफ तो सबको होता है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का ही काम करते रहे। हमारा इतना विरोध इंद्रजीत से था, वही नेता थे कांग्रेस के हमारे यहाँ, और मैं उनका विरोधी था। हमारे बहुत सारे बड़े बड़े लोग इंद्रजीत के साथ जाते थे, मैं न कभी इंद्रजीत के साथ गया और न कभी राहुल भैया के साथ गया। उस समय अर्जुन सिंह भी थे, तब भी उनके पास मैं कभी अपना कोई काम लेके नहीं गया, और इतना तोड़ा गया हमको। लेकिन मेरे पिताजी ने और तो कुछ दिया नहीं था, ज़मीन इतनी दिया था कि हम लोग खाने की कभी तरसे नहीं खाने के लिए, और उससे इतना खर्च भी मिल जाता था कि मैं अपना खर्च चला लेता था अपने परिवार का, तो मैंने पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन सहयोग देखिए हमारा कि हमको भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ने कभी टिकट नहीं दिया, लगातार दो बार हमको मिलना चाहिए, एक बार लालमणि सिंह जी को दे दिया गया, दोबारा अपने रविनंदन सिंह के भतीजे पप्पू कहते हैं उनको दे दिया गया। हम लोगों ने लालमणि सिंह का बड़ा सहयोग किया, बहुत सहयोग किया, लेकिन सहयोग से वो हार गए चुनाव। दूसरा चुनाव जब इनको टिकट मिला तो मेरे पास गए, हमसे निवेदन किए पप्पू भाई ये कि आप हमारा प्रचार न करिए, आपसे बहुत लोग नाराज हैं। हमने कहा ठीक है ना करेंगे, तो भाजपा में रहे कि नहीं करेंगे, भाजपा में रहे आइए प्रचार न करेंगे, मान गए उस बात पर। हमारे पास रविनंदन सिंह गए, उनकी पत्नी गई कहने के लिए कि नहीं आप चलिए। हमने कहा देखिए उम्मीदवार जब तक हमसे नहीं कहेगा तो हम पाप न ले जाएंगे, कोई बात हुई तो कल उनको लगेगा कि इनने बेईमानी किया। बिल्कुल हम कहीं नहीं गए, उनसे जवाब दीजिए कि देखें हम नहीं जाएंगे, आप हमसे नाराज़ ना होंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के अपना वोट देंगे। नहीं गए, उनको 5,000 या 6,000 वोट मिला था उस समय, मतलब हमको लगता तीसरे चौथे नंबर में थे। हमको जीत लगी थी कई चुनाव, हम इंद्रजीत के लड़कों से भी हारे एक दो चुनाव, उनसे भी हारे थे, तो जीत लगी थी कि जब तक इससे जीतेंगे नहीं तब तक लड़ते रहेंगे। अंत में भूमि विकास बैंक उस समय था, फिर बाद में वो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बन गया। चुनाव हुआ, मैं पहली बार तो सिर्फ डायरेक्टर हुआ, उसमें भी देखिए साजिश हमारे लोगों ने किया कि हमको डायरेक्टर से भी बर्खास्त किया लास्ट में कि अगला चुनाव कहीं लड़ न जाए। अगला चुनाव जब आया हमने किसी को मालूम नहीं होने दिया कि हमने फॉर्म भरा है डायरेक्टर, उसमें पहले डायरेक्टर चुने जाते हैं उसके बाद चेयरमैन। डायरेक्टर के चुनाव हम फिर से लड़े, जीते, इंद्रजीत के कैंडिडेट को ही हराया। अब कुल हमारे 15 सदस्य होते थे जिले में, तो 9 हमारे जीते, हमारे साथ में हमारे केदार जी भी थे, सहयोग करते थे, तो केदार जी के मिला के 9 थे, और उनके पास 6 थे। इंद्रजीत मंत्री थे उस समय, हमको लगता शिक्षा मंत्री थे क्या, और ये पर्यावरण जी उनके पास था। उनने बहुत प्रयास किया निर्वाचन अधिकारी को कि हमारा कैंडिडेट जीतना चाहिए, लेकिन वो भी निष्पक्ष आदमी थे। हम लोग सब इकट्ठा हुए, हमारे 3 वोट वो पकड़ ले गए, पुलिस के द्वारा पकड़ा लिए इंद्रजीत जी। एक देवसर का था, एक सिंगरौली का था, और एक मझौली के। लेकिन हमको भरोसा था कि हमको वोट देंगे, वो 9 लोगों को लेके आए और हम 6 लोगों को लेके गया। हमारे लोगों ने कहा, केदार जी भी ने कहा, राजबली सिंह जी थे उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए,
हमारा विश्वास था कि हमारे कार्यकर्ता जो हैं हमको वोट देंगे और वही हुआ। उन्होंने कहा, प्रश्न रखा पहले उनके लड़के ने, कि हमारे कार्यकर्ता बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उसके बावजूद आप इनका वोट दे दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले उसे हम ही बना लीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम वोट खुद देंगे। हमने भी उसका प्रस्ताव कर दिया कि भाई जब एक वोट खुद देना चाहते हैं तो क्यों क्यों प्रेसाइडिंग अफसर। बिल्कुल। हाँ, उनने खुद वोट दिया। हमारे 8 हुए, उनके 7 हुए। कैंडिडेट हमारा कौन सा घट गया, संभवतः मझौली वाले कट गए थे, ऐसा अनुमान हमारा। तो हम जीते, 2 वोट से चुनाव जीते, अध्यक्ष बने। उसके 1 साल पहले से शुरू हो गई हमारी शिकायत, कांग्रेस लोन करना शुरू किया, ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है, ये लूटपाट है, वो लूटपाट है। मैं पहली बार, मुझे जब भोपाल बुलाया गया बैठक में, जिले की बैठक होती है वहाँ जी, साल में एक बार जी बुलाया गया, तो वहाँ के चेयरमैन जो हमारे थे अपेक्स बैंक के, उन्होंने कहा कि देखिए आपका बैंक बंद हो जाएगा इसलिए कि 3 करोड़ का आपका बैंक है, 3 करोड़ ओवरड्यू, तो आपको पैसे मिलेंगे नहीं, तो आप चलाना चाहते हैं कि बंद करना चाहते हैं। हमने कहा हम चलाएंगे, बंद क्यों करेंगे, क्योंकि 3 करोड़ आपको देना पड़ेगा पहले। हमने कहा देंगे, 3 करोड़ वसूली करेंगे हम। और हमने 2-3 महीने में वसूली करके उनको 3 करोड़ का पूरा किया। और फिर गए उनसे, हमने कहा कि हमने पूरा कर दिया, हमको पैसा मिलेगा कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि अब आप जितना मांगेंगे उतना हम देंगे। कांग्रेस के थे वो जी, सरकार भी कांग्रेस की थी जी, और वो चेयरमैन भी कांग्रेस के थे। तो उन्होंने कहा कि अब आप जितना मांगेंगे उतना पैसा आपको बैंक में देंगे। हमने कहा कितना देंगे, कम से कम कहें 3 करोड़ तो हम देंगे ही। हमने 3 करोड़ लिया, फाइनेंस किया। दूसरे साल उन्होंने कहा कि अब कितना लेंगे, हमने कहा 4 करोड़ कर दिए, बढ़ा दीजिए, तो 4 करोड़ उन्होंने दिया, मतलब 7 करोड़ हम ले आ करके फाइनेंस भी किए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब कितना चाहिए, हमने कहा बढ़ाते जाइए कुछ, 5 करोड़ बढ़ा दिया उन्होंने, 5 करोड़ कर दिया तीसरे वर्ष। और हमने खूब पैसा बांटा, कभी नहीं हुआ कभी किसी ने कहा कि इस बैंक में पैसा नहीं है। मैं 17 करोड़ का बैंक बनाया और हमेशा हर साल वसूली भी करता रहा। दल परिवर्तन बीच में कैसे आया, फिर बीजेपी से बीएसपी में जाना? दल परिवर्तन तब नहीं आया, अब लास्ट में देखिए, वही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कि दल परिवर्तन किस लिए किया गया। जब अंतिम साल वहाँ भी आया, 5 साल का रहता है चुनाव, जब 5वां साल हमारा आने को हुआ, तब हमारे लोगों ने फिर से साजिश करनी शुरू कर दी, नाम नहीं लेंगे किसी का, एक चूरहट के भी थे हमारे, और हमारे कुछ संगठन के लोग जी, और हमारे ऊपर फर्जी लांछन लगा के बैंक बर्खास्त कर दिया। कहीं आप इशारे में अजय प्रताप सिंह जी का तो नाम नहीं जिक्र कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, अजय प्रताप सिंह जी ने कभी ऐसा खुल कर। अच्छा अच्छा जी। उसके बाद वो बने थे अध्यक्ष, बने थे एडहाक, तो सुभाष जी जी, तो ये नाम नहीं लेना चाहता जी, जी जी। तो उसके बाद बैंक की हालत आपको मालूम होगी, शायद ना मालूम हो, तो बैंक खत्म हो गया। आज उस बैंक में कुछ रही नहीं गया। हमारे यहाँ गाड़ियाँ फाइनेंस नहीं होती थी ट्रैक्टर को छोड़ के। मैंने वहाँ निवेदन किया अपेक्स बैंक में कि हमारे यहाँ बहुत गाड़ियाँ फाइनेंस हो सकती हैं, जैसे जीप है, ट्रक है, बस है, अन्य बैंक करते हैं, हमको भी करना चाहिए। उन्होंने हमको स्वीकृति दे दी, रजिस्ट्रार से लेकर स्वीकृति उन्होंने हमको दे दी कि आप कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, मोटरसाइकिल कर सकते हैं। तो हमने सब फाइनेंस किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के लगभग 25 लोग तो रोज़ बैठते थे जब मैं कार्यालय में रहता था, और उनके लिए कुर्सियां खाली थी, हमारे कर्मचारी खड़े हो जाते थे उनके लिए बैठने के लिए। मैं अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करता था, कभी हमने मान यहाँ किसी कार्यकर्ता के नहीं की। उस बैंक में एक और नियम था, जब 3 करोड़ से ज़्यादा बैंक नहीं गया, उस समय ये स्थिति थी कि 10% कर देने में कमीशन होता था कर्मचारी से मैनेजर या चेयरमैन तक जी जी। हम जब बैठे तो हमने अपने कर्मचारियों को बुलाया और हमने कहा कि एक शिकायत आप लोग बंद करिए, आप जितना मेहनत कीजिए उतना TAD हमसे बढ़ा के ले लीजिए, खूब दौरा कीजिए, खूब TAD लीजिए।
लेकिन ये छोड़ दीजिए, तो कुछ ऐसे कर्मचारी थे जो आज माला माल है, बैंक के मत थे माला माल है, फर्जी फाइनेंस का नाम, जैसे पंप दे दिए, पंप उसको गया नहीं, उसका पैसा निकल गया, कुआं खुदवा दिए लेकिन उसका पैसा पूरा भुगतान नहीं हुआ, कागज में भुगतान हो गया, ऐसे कई केस थे। तो सबको हमसे भय रहता था, पुराने जो कर्मचारी थे, बाकी जो थे ऐसा नहीं कि सब भय में थे, और उन्हें इनका तनख्वाह पुराना पूरा का पूरा सब पुरानी तनख्वाह दिलवा दी बैठते ही, जैसे पैसा आया, और कभी तनख्वाह में कमी नहीं की। हमने तो यहाँ तक किया कि हमारा कर्मचारी अगर उसका शादी है और कहता कि हमको एडवांस दे दीजिए, तो हमने वो भी किया कि भाई कर्मचारी है, इसके तनख्वाह से कटेगा, अपना तो कुछ जाएगा नहीं, तो उसको दे दो, पैसा है हमारे बैंक में, कमी तो है नहीं जी, दिया हमने, बड़े खुश थे सब थे। एक दो जो ज़्यादा बेईमान थे वही हमसे नाराज थे, मैंने उनको छोड़ा भी नहीं, हमने सस्पेंड किया, बर्खास्त भी किया, भले ऊपर से बहाल होकर लौटाया फिर से, क्योंकि वहाँ पैसा देके तो होता था, तो ऐसा किए वो, लेकिन सब नाराजगी थे, तुम्हें कि ये रह जाएगा तो फिर से इसी का चेयरमैन बनेगा और नहीं तो इसको हटाओ, अंत में साजिश रच के लोग हटा दिया। मुझे लगा कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, तकलीफ हुआ मन से कि हमने जिस जगह को बनाया और उसको ये मिलके हमको हटाने का काम किया। इंद्रजीत जैसे शख्स के लड़के को हमने हराया, चुना साधारण बात नहीं थी बिल्कुल। तब मैं बहुत कम उम्र का था, भी बहुत बड़ा उम्र का नहीं था जी, तो उसके बाद हमको मजबूरन पार्टी छोड़नी पड़ी। हमको ऐसा लगा कि पार्टी हमको टिकट भी कभी देगी नहीं, उसके पहले भी नहीं दी, अब भी नहीं देगी, तो हमने पार्टी छोड़ी, बहुजन समाज पार्टी में गए। उसका मेन कारण हमारे यहाँ ये था, हमारी एक और हिस्ट्री है, हमारे पिताजी भी एक बार चुनाव लड़े थे, पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से टिकट नहीं दिया। हमारे भाई लाल जी सोशलिस्ट पार्टी उस समय थी, तो सोशलिस्ट पार्टी के विधायक हुआ करते, तो दो बार हुए विधायक लगातार, और कांग्रेस और सोशलिस्ट के नाते इतनी बुराई थी हमारे पिताजी से एक दूसरे की, कि वो विधानसभा में हमेशा क्वेश्चन उनके खिलाफ करते थे, और उसकी जांच रोज होती रहती थी, कलेक्टर SP ये सब जांच करते थे जाकर, लेकिन कोई असलियत तो थी नहीं जी। उस समय नैतिकता बहुत थी, कलेक्टर SP ऐसा नहीं था कि जो पार्टी का नेता कह देते पर नैतिकता देखते थे, तो नैतिक लोग थे, तो कभी उनके पास आँच नहीं आई। तीसरी बार उन्होंने तय किया कि अब इनको हराने के लिए मैं ही खड़ा हूँ, तो हारेंगे नहीं तो नहीं। और संयोग देखिए कि चुनाव लड़े के निर्दलीय किसी दल में नहीं गए, उस समय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी थी और ये तिवारी जी नेता थे, वो हमारे घर गए कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए और इससे चुनाव लीजिए, उन्होंने ना कर दिया कि देखिए हम कांग्रेस पार्टी में थे, इस्तीफा दिए हैं और हम निर्दलीय लड़ेंगे, जीते या हारे। तो इनने फिर हमारे राजा खटाई को, हमारे पिताजी खिलाफ किया, उनको टिकट दे के इनने तिवारी जी, उसके बावजूद इंद्रजीत जी हारे, वो भाई लाल जी हारे, और उसी चुनाव में ये इनके जो अपने लक्ष्मीकांत पाठक जी, लक्ष्मीकांत पाठक वहीं के देवसर के हैं जी जी, ये हमारे इनके विश्वामित्र जी के चाचा, बड़े चाचा थे या बड़े पिता कहिए जी, वो जीते थे। फिर उसके बाद ना वो चुनाव जीते और ना वो चुनाव जीते, लड़े दोनों लोग, पार्टी ने टिकट भी नहीं दिया, काट दिया था, तो फिर से दोनों लोग नहीं हुए, न भाई लाल जी हुए और न वो विधायक हुए। तीसरे हमको लगता है उस बार समाजवादी से बने थे हमारे ख्याल से, क्या ये परिहार था सीधी वाले केशव प्रताप से जी, हमको ऐसा लगता है, बहुत बहुत ध्यान नहीं है लेकिन लगभग वही जीते, बिल्कुल वही स्थिति हमने पैदा की, वही हुआ। हमको लगता था कि जब तक इंद्रजीत उसके बाद बनने लगे, जब मिश्रा जी के लोग खड़े थे, तो उस बार इंद्रजीत जी 600 वोटों से जीते थे, और ऐसा जीते कि कभी हारे ही नहीं फिर से। तो हमको लगा कि अब हम रहने न पाएंगे इनके मारे, हमारे पर जितने दुनिया के मुकदमे थे लग जाते थे जबरदस्ती, इनको किसी तरह से बदनाम करो, ये काम करना शुरू कर दिया, वही जो भाई लाल जी किया करते थे। तो लास्ट में हमको लगा कि अब हमको टिकट नहीं मिलेगा, जब तक मिलेगा नहीं तो ये हारेंगे नहीं इंद्रजीत,
तो हम बीएसपी में गए और बीएसपी से हमने कहा कि टिकट देना हो तो आएंगे, तो उन्होंने कहा हम देंगे आपको। बहुत लोगों ने लास्ट में प्रयास किया कि ना मिले इनको, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने हमको टिकट दी। मेरे पास पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उस समय, वास्तव में नहीं था भाई। जितना मैं कमाता था उतना खर्चा था, कमाना मतलब खेती का, जो मिलता था तो खाना उसी में खर्च चलता था। लेकिन हम हिम्मत किए, लड़े। हमारे अग्रिम प्रश्न में भी ये है कि जब आपने साथ दिया था, आप भाजपा में थे, विश्वमित्र जी भाजपा में थे, जब भाजपा से उनको टिकट मिला था तो आप पूरी तरह से उनके साथ थे। अब जब आपको टिकट मिला तो उन्होंने अपनी पार्टी या खुद को अलग नेतृत्व करके चुनाव लड़ा निर्दलीय, और उसमें उनको 27,000 वोट मिले थे लगभग। देखिए 27,000 वोट उनके पास बहुत सारा पैसा था, और आपको लगभग 32,000 वोट मिले थे। हमको 32,500 मिले थे। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर वो साथ होते तो चुनाव जीत जाते हैं? उनकी वजह से इतना हवा फैल गया कि विश्वामित्र जीत रहे हैं, तो एक वर्ग उनसे बहुत नाराज रहता है, गुप्ता वर्ग, खासकर देवसर प्रॉपर का, और उसी के हिसाब से हमारा पूरा विधानसभा का गुप्ताओं का वो चलता है। लगभग 7,000 से 8,000 वोट हमारे हिसाब से चले गए कि विश्वामित्र जीतने जाएं इस हवा में, तो वो कांग्रेस में चले गए। लोग तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के जीतने के पीछे राज ये था कि आपने कमलेश्वर पटेल से समझौता कर लिया था। देखिए हमारा कभी समझौता नहीं रहा, हम पुश्तैनी उनके विरोधी हैं, उनके बाप के ज़माने से विरोधी हैं, तो कैसे सोचा जा सकता है कि हम उसके उनके लड़के से समझौता करें? ये सामाजिक आरोप आप पर लगाया है, सबसे बड़े लड़के को कभी हो सकता है सर? ये सामाजिक आरोप पर आप पर लगे, गलत आरोप, या आप ही के पार्टी के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि आपको टिकट दिलाने के पीछे कमलेश्वर पटेल जी ने मेहनत की थी कि आपको टिकट मिले जिससे वो चुनाव आसानी से जीत सकें? नहीं देखिए, हमने पार्टी में इतना काम किया था कि मजबूरन पार्टी को टिकट उनको देना पड़ा अंत में, और उसमें अगर विश्वामित्र जी बागी न हुए होते तो हम चुनाव जीतते, तय था जीतना। चलिए यहाँ से एक थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे, अगर आपको टिकट मिलता है बेहतर, शुभकामनाएं हमारी, लेकिन अगर मान लीजिए आपको टिकट नहीं मिलता है, विश्वमित्र पाठक जी को टिकट मिलता है क्योंकि वापसी कर चुके हैं, जब वो निर्दलीय में गए थे तो शायद उन्हें निष्कासित कर दिया गया था पार्टी से, संघ से, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया था, हालांकि मेरे गणित के हिसाब से 6 वर्ष अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन वापसी कर चुके हैं वो भाजपा में, अगर उन्हें टिकट मिलता है तो मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा कि आप किसका साथ देंगे, क्योंकि वो आपके साथ नहीं थे। हम देखिए भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट आएगा हम उसका साथ देंगे, उसको वोट देंगे। अब एक बात और, पूरे विंध्य में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, खासकर सीधी की अगर बात करें तो आपका एकमात्र सीट ऐसा गया जो आप भाजपा के पक्ष में नहीं था, ऐसा क्या कारण था विशेष? कारण तो आपको बता दिए पहले, बागी होने के नाते। तो क्या भाजपा की नीतियां रणनीतियां आपके क्षेत्र में काम नहीं कर कारगर नहीं साबित हुई? नहीं ऐसा नहीं है भाई, व्यक्ति विशेष कोई अगर विरोध करे तो उसमें कौन सी नीतियाँ चलेंगी ये बताइए, उसमें भाजपा की नीति का कोई अंतर नहीं पड़ा, उसके खुद के काम का अंतर पड़ा। हम ये कहते हैं कि एक विजयी व्यक्ति, जैसे हमारे केदार जी 3 बार से लगातार विधायक हो रहे हैं जी, नहीं हारे, और हम विधायक बन जाए अगर कल है हार जाए तो ये तो हमारे काम का अंतर पड़ता है। हमने अपने कार्यकर्ता के साथ जो व्यवहार किया, कार्यकर्ता हो सकता है नाराज रहा हो, उतने मदद न की हो। अब ये बात बताइए कि कांग्रेस के जो आपके विधायक हैं, आपके विधानसभा के सियावल विधायक कमलेश्वर पटेल जी, अब उनका ओहदा उनके संघ पे, उनके कांग्रेस पर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर हो चुका है, तो आपको लगता है कि जब उन्हें अगर टिकट, चूँकि अब टिकट ही उनके वितरण हाथ में है, तो निश्चित ही उनकी जवाबदेही है, सियावल भी उनकी जवाबदेही है, तो ऐसे में उनको हरा पाना सामान्य सी बात होगी? देखिए हमने पहले बता दिया उनकी बात व्यक्तिगत अगर करें तो, हमने कहा ही कि जो हमसे हारा है और जो जीता है वो तो फिर से नहीं बन सकता, चाहे जिस पार्टी का हो उसे मारते हो। ठीक है, विश्वामित्र पाठक जी ने पिछली बार निर्दलीय लड़कर आपको दौर से बाहर कर दिया था, इसमें भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोग भी थे,
आप पार्टी वाइज वोट भी आपके निर्दलीय प्रत्याशी को मिले थे, ऐसा फिर क्यों हुआ? ऐसा भी बात तो सही है, उसका कारण एक था कि संगठन जो चुना गया था उस समय में विश्वामित्र जी विधायक थे, उन्होंने अपने हिसाब से संगठन तैयार किया, उनने बिल धोखे से भी हमारे एक भी आदमी को नहीं लिया होगा, है वो भारतीय जनता पार्टी का लेकिन कहीं कहीं हमारा समर्थक है तो उसको नहीं लिया गया। वो आज भी बेचारे भाजपा में जुड़े हुए काम कर रहे हैं लेकिन कहीं बैठने की जगह, और वही एक कारण बनता है भाजपा के नुकसान का। ठीक है, तो अब ये बताइए, हमारे लिए भी वही कारण बना जी जी कि भाई वो सब उन्हीं के पक्ष में काम किया, पूरा संगठन ताजुब करेंगे, हमारे विधानसभा का पूरा संगठन हमारे विरोध में काम किया, इसीलिए शायद आपके आम जनता जो कहती है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो आपके विधानसभा के लोग हैं, ये कहते हैं कि सिहावल में विशेषतः सिहावल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशियों की इतनी दौड़ है कि लोग कहते हैं कि बिना मालिक की फौज है वहाँ पे। सही बात है, तो कोई शक नहीं। तो फिर ऐसे में चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है वो भी कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेंगे। भाई टिकट के दावेदार इतने लोग हो चुके हैं कि हर कोई टिकट की मांग कर रहा है। ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं पूछ रहे हैं, ठीक बात है बिल्कुल। तो ऐसे में चुनाव कितना आसान होगा फिर, या टिकट की दावेदारी या टिकट प्राप्त करना? दावेदारी करना हमारा कर्तव्य है, हम पार्टी में अगर हैं तो करें, बिना पार्टी के लोग करना नहीं चाहिए लेकिन कर रहे हैं। भाई पैसा हो सकता है ज़्यादा उनके पास हो, हमारे विश्वामित्र से ज़्यादा पैसा हो सकता है किसानों के पास, ऐसे भी है तो लगता है कि हम खरीद लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी पैसे से टिकट नहीं देती है। अब विश्वामित्र जी का जिक्र कर रहे हैं, कई बार उनकी वीडियोज़ या ऑडियो वायरल हुई हैं उनकी अभद्रता भरी बातों की, कई ऐसी बातें सामने आई हैं, कई बार ऐसी आई हैं कि अपने जन समुदाय में, जन मानस में या कि आम पब्लिक के बीच अभद्रता भरी टिप्पणियां कर देते हैं, तो आपके साथ ही रहे हैं, उस पर फिर क्या राय होगी आपकी? नहीं देखिए, हमारा ये कहना है कि जो उनके साथ रहे उन्हीं से वो अभद्रता कर रहे हैं, हमारे किसी कार्यकर्ता से नहीं, जो उनके साथ थे उन्हीं को आज वो बैठने नहीं दे रहे। आप पर एक आरोप ये भी आपकी विधानसभा की जनता द्वारा लगाया गया कि आपकी सक्रियता बिल्कुल कम रहती है आपके विधानसभा में। मैं पूरी तरह से सक्रिय हूँ ऐसा है ही नहीं है कि मैं सक्रिय नहीं हूँ जी, मैं सीधी छोड़ के सिहावल में रहता हूँ, सिर्फ इस नाते ब्लॉक है, तहसील है, SDM हेडक्वार्टर है, तो लगभग पहुँचता रहता हूँ और सबसे मिलता रहता हूँ। आपने जो जिक्र किया उसमें एक सवाल आया है आप ही के जनता से, बिल्कुल मैं सारे सवाल वो बता रहा हूँ जो बिल्कुल आपके आम जनमानस से हैं। आपने SDM कार्यालय की बात की, हेडक्वार्टर की बात की, तहसील की बात करी, और वहीं आरोप आप पे लगा है कि ठीक है पक्ष आपका नहीं है लेकिन सत्ता आपकी है, केंद्र पर भी राज्य पर भी सत्ता आपकी है। आज भी तहसील जो है वो बस स्टैंड के किसी ऊपरी हिस्से, ऊपरी तल पर लगता है, SDM हेडक्वार्टर भी उसी के आसपास कहीं अगल बगल है, तो ये इसके लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया गया? नहीं नहीं, उसके लिए या कि कोई धरना या कि विरोध? ठीक है आपके विधानसभा में कांग्रेस है लेकिन सत्ता तो आपकी है। नहीं, सत्ता है तो हम धरना विरोध तो कर नहीं सकते। देखिए जी, ये तो हमारे यहाँ अलाउ नहीं है कि हम धरना दें या कि हम कहें। अभी वो बिल्डिंग खाली है, वो किसी दूसरे की नहीं है, उस समय सारडा की बनाई हुई बिल्डिंग थी, शासकीय बिल्डिंग है, अब वो खाली है, उसमें तहसील चल रहा है, सिर्फ सब तहसील लगती है, एक दो दिन SDM बैठते हैं। मूल रूप से सिहावल है तहसील, पहले थी, तो वहाँ जो है पूरी बिल्डिंगें बनी है, चाहे SDM की हो, चाहे तहसीलदार की हो, चाहे और किसी अधिकारी की हो, सब बिल्डिंगें हैं। तहसील, तहसील से एक बात है कि ये कुचबाही शायद आपके विधानसभा के क्षेत्र तहसील के अंतर्गत है, इधर से आने वाले या कि ददरी इस एरिया से आने वाले लोगों के लिए वो जो आपके तहसील है यानी कि सियावल, एक लंबा सफर हो जाता है, लगभग 50 किलोमीटर का आसपास आंकड़ा जी। कुचबाही के लिए जरूर मान सकते हैं दूर है जी, लेकिन एक तहसील बनाने की प्रक्रिया भी होती है कि उतने जगह आए, उतनी पंचायतें आए, उतनी जनसंख्या आए, तब तहसील तैयार होगी। तो क्या ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जैसे बहरी या कि ऐसे कई कोई केंद्र जहां पर इन लोगों के लिए सुचारू रूप से व्यवस्था हो सके, उप तहसील की व्यवस्था हो सके? नहीं, उप तहसील है एक तरह से, अभी बनी नहीं है, सपही में उप तहसील एक तरह से सपही के नाम से है, और सपही के नाम से एक नायब तहसीलदार अलग बैठता है, लेकिन वो भी सिहावल में बैठता है। नहीं, सिहावल में सब बहरी बैठते हैं, सिहावल वाले सिहावल बैठते हैं पहाड़ी के, और यहाँ जो है बहरी यहाँ के सपही के, दोनों तहसीलदार वहीं बैठते हैं,
जब कमी हुई तो फिर एक तहसीलदार देखता है तो लोगों को तो सुविधाएं होती हैं, बनेंगी धीरे धीरे, हमारी सरकार उस पर प्रयासरत है, बनाएगी। एक और आरोप इसी पर लगा है कि आपके दोनों साइड दो मार्ग, आपके विधानसभा पर दो ऐसी बड़ी पुल हैं जो आए दिन दुर्घटना का कारण भी बनती हैं और मार्ग बाधित होने का कारण बनती हैं। मैं दोनों पुल की बात अगर करूँ तो जुगदाह पुल और इधर गोपाल दास पुल, इन दो पुलों पर काम कई वर्षों से लगा हुआ है, तो कभी ऐसा प्रयास नहीं किया एक विपक्ष की भूमिका पर, चूँकि सत्ता तो आपकी है, आपके विधानसभा को जरूर छोड़ा गया है लेकिन आपके आसपास अगल बगल जो भी हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, सत्ता आपकी है, तो आपने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि आप वर्तमान सत्ताधारी जो वर्तमान आपके विधायक हैं उनका विरोध करते हुए कुछ प्रयास करें कि इनका कार्य जल्दी से पूरा हो और लोगों को सुचारू रूप से मार्ग प्रशस्त हो सके? देखिए, वो इतनी पुरानी पुल है, उस समय कोई प्रस्ताव नहीं बना था, हमारी सरकार के बहुत पहले की है जी, हम लोग लगभग छोटे छोटे थे तब की बनी हुई पुलिया है, लेकिन बड़ी मजबूत पुल जी चल रही थी, अचानक अभी फिलहाल क्रैक आया उसमें और उसकी वजह से, इसलिए कि इतने लूट गाड़ियां जा रही हैं ये रेता होता कि, तो उससे कुछ नुकसान हुआ, लेकिन हमारी सरकार ने दूसरी पुल बनाने का टेंडर किया और बन रही है, लगभग थोड़े दिन बाकी है, क्योंकि वहाँ बहुत नीचे पत्थर है, उस जगह पानी भरा रहता है, उसकी वजह से दो पिलर नहीं बन पाए, लेकिन काम लगे हुए तत्काल लगे हुए बराबर, बरसात में भी चल रहे ऊपर के काम जो है जितने बना हुआ है, उसकी भी मरम्मत कराई गई, लेकिन उसके बाद भी क्रैक आ गया, और अगर उसके लिए अलाउ किया जाता है तो उसमें जान माल की सुरक्षा नहीं संभव हो पाएगी, तो इसके लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं, बन एक पुलिया अगले साल चालू हो जाएगी। लेकिन लगभग इन बातों से एक आरोप और आता है जनता का कि आपको लगता है कि सिहावल में भाजपा कमलेश्वर पटेल के समक्ष समर्पण कर दी, ये आरोप आया है हमारे सीधे भाजपा की बात टीम के पास, ये मैसेज आया था कि लोगों को ये लगता है कि अब भाजपा विधानसभा सिहावल की बात करें तो कमलेश्वर पटेल कांग्रेस के नहीं लेकिन कमलेश्वर पटेल जी के समक्ष समर्पण। देखिए एक बात बता दें, पहले बताया आपको जी, इंद्रजीत से मजबूत ये नहीं जी, इंद्रजीत जी ने जो किया, जितना कार्यकर्ताओं का हमारे परेशान किया, लेकिन कोई कार्यकर्ता हमारा हटा नहीं, हमारे साथ बराबर खड़ा रहा, हम लोग लड़ते रह गए, बताया कि चुनाव हारने जीतने का यहाँ वो नहीं है, हम कोई चुनाव छोड़े नहीं। तो ये बताइए, हम एक जहन में सवाल आ रहा है कि जब आपने चुनावी राजनीति की शुरुआत की थी लगभग 1975 में आपने शुरू किया राजनीति में अपनी जगह जो बनाई है, और उसके बाद जो आपका दौर था लगभग लगातार 1979 में आपने जनपद पंचायत सिहावल का सदस्यता आपने ग्रहण की थी, या जनपद सदस्य हुए थे आप, इसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी के आप सदस्य हुए, 1995 में फिर आप जनपद पंचायत सिहावल के सदस्य निर्वाचित हुए, इसके बाद आप 1997 में भूमि विकास बैंक मर्यादित सीधी के संचालक पद पर थे, 1998 में भाजपा के महामंत्री हुए, तो ये जो लगातार आपका जो राजनीतिक करियर है, आप 2018 में विधानसभा का चुनाव लड़े, ये तमाम चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में आपने की, जब आपने शुरुआत की थी यानी 75 की अगर हम बात करें, उस समय मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस का बोलबाला था, आपके एक साइड दाऊ साहब कुंवर अर्जुन सिंह जी थे जो मुख्यमंत्री जी थे, मुख्यमंत्री के पद के दावेदार या मुख्यमंत्री रहे होंगे, उसके आपके बगल में सीधे सीधे इंद्रजीत कुमार जी थे, ऐसे में आपने कांग्रेस का हाथ न पकड़ते हुए साथ न करते हुए, जबकि आपने जिक्र किया कि आपके पिताजी कांग्रेसी थे, आपने भाजपा का रास्ता पकड़ा, ये एक जरूर सवाल सबके मन में उठ रहा है। देखिए नीतियाँ हमको अच्छी नहीं लगी कांग्रेस की, उनके यहाँ क्या था, लोगों को दबाना, भाजपा में नीति नहीं थी, आज जरूर हो गई, उस समय किसी कार्यकर्ता को उभरने नहीं दिया जाता था कांग्रेस में, एक बन गया वही रहेगा, वो नीति हमको पसंद नहीं थी, इसलिए कि मैं जनमत वाला था, कोई बिना जनमत का व्यक्ति नहीं था, हारना जीतना तो बताइए सरकार में पकड़ लिए जाते थे, कांग्रेस की सरकार में जी जी मजबूरन हम लोग हारते थे जी जी, और उसी के कारण मैं भाजपा ज्वाइन किया, और भाजपा में आया तो बड़ी निर्दयता थी, बड़े आराम से काम चलता था, लेकिन धीरे 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 कुछ उसमें भी कमियाँ आई, और उसको मैं कहना नहीं चाहता विशेष रूप में, नहीं कहिए बिल्कुल, ये कार्यक्रम आम जनमानस के है, और 15-20 हज़ार कमियाँ आई जिसकी वजह से दलालों को बढ़ावा दिया गया,
जैसे कांग्रेस से कोई आया उसको सुबह टिकट दे दिया गया, छोड़ के आया तो इसी में कार्यकर्ता कुछ न कुछ तकलीफ होती कि भाई हमने इतने दिन परिश्रम किया तो हमारा नाम नहीं आया, दूसरे को दे दिया। चलिए दूसरे को दे दिया। एक और बात कि देवसर जनपद अध्यक्ष प्रणव पाठक बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, आपके साथ आ चुके हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं देखिए, हम तो स्वागत करते हैं, कोई भी हमारे यहाँ आए स्वागत करते हैं उसका। लेकिन हमने अपने अभी आए थे हमारे कार्यक्रम में तो हमने एक बात कही है कि हमको ना नहीं करना चाहिए अपने पक्ष में मिलाने के लिए। हमारे साथ जितने कार्यकर्ता कांग्रेस से टूट के आए या अन्य दल से आए तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन एक निवेदन जरूर नए लोगों से करेंगे कि हमारे पुराने कार्यकर्ता टूट नहीं पाए, इसका वो ध्यान रखें। चलिए अब एक आखिरी पड़ाव की ओर हम रुख करते हैं कि विश्वमित्र पाठक जी, जो बीच में मैंने सवाल किया था कि भाजपा छोड़े थे, अब भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं, तो क्या लगता है कि सशर्त ज्वाइन किए हैं या तो फिर मान लीजिए टिकट नहीं मिलता तो फिर वो बगावत की राजनीति करेंगे? भाजपा कभी शर्त नहीं करती, जिसको छोड़ के जाना हो चला जाए, मजबूरन हाथ जोड़ के लेना पड़ता है जिसको सदस्यता लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इस बार छोड़ के चले जाए चाहे रहे, भाजपा वो नहीं रह गई कभी, छोटी सी है। मान लीजिए इस बार फिर से आपको टिकट मिलता है तो आपको क्या लगता है, वो आपके साथ रहेंगे कि आप फिर से बगावत की राजनीति करेंगे? नहीं कर सकता, भाजपा में हमको रहना चाहिए, बगावत करेंगे तो उनकी इच्छा है, अब उसको तो हम नहीं कुछ कह सकते। चलिए अब हम एक आखिरी पड़ाव आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपको टिकट मिलता है तो आप किन मुद्दों के साथ और किस विश्वास के साथ जनता के बीच पहुँचेंगे? देखिए हमने बताया पहले आपको कि मैं जिस दिन से राजनीति शुरू किया चाहे जहाँ भी रहा हूँ सिर्फ अपने जनता की सेवा किया हूँ, और वो भी निस्वार्थ सेवा किया हूँ। ऐसा नहीं कि आज के नेता बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हमको 10,000-20,000 मिल जाए जेब में तो हम जाएंगे, हमने अपना लगा करके किया है अपने कार्यकर्ता के लिए, इसमें कभी आँच नहीं आने दी अपने आगे, हमको आज भले आ जाए हमारे कार्यकर्ता को ना आए। अब आज जो वास्तविक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उससे आप बुला के पूछिए कि हम करते हैं या नहीं करते, दौरा करते हैं कि नहीं करते हैं। अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है, वो झंडा नहीं लगा के जाते हैं हम बड़ा लंबा, जितनी हमारी ताकत है उस हिसाब से हम जाते हैं, जो हमारे पास आता है उसकी इज्जत भी करते हैं। चलिए अब एक और जो आरोप बीच में लगाया गया था, आपके मर्यादित बैंक जब आप अध्यक्ष थे तो आप पर कुछ ऐसे आरोप लगाए गए थे जैसे कि घोटाले के, उस पर क्या आप बात कहना चाहेंगे? कई ऐसे घोटाले के आरोप आप पर लगे थे, ट्रैक्टर के खरीद फरोख के घोटालों पर आप पर आरोप लगाए गए थे। देखिए हमारे ऊपर तो बताए ना कि हमारा तो बैंक ही बर्खास्त कराया गया कोई ना कोई जालसाजी करके, किसी उस व्यक्ति से पूछिए जिसका फाइनेंस हुआ हो ट्रैक्टर, उससे पूछिए कि हमने घोटाला किया कि तुमको ट्रैक्टर दिया। इसमें केदार शुक्ल जी का भी नाम आया था बीच में, इस घोटाले के बीच में कई ऐसी टिप्पणियां आई थी शुक्ल जी की। वो कोऑपरेटिव बैंक के लिए जी हमारी बैंक के लिए नहीं था। अच्छा, हमारे बैंक का नाम ही नहीं लिया उन्होंने, हमने खुद उनको फाइनेंस किया है, उनके भाई को हमने खुद बैंक से फाइनेंस किया है ट्रैक्टर। चलिए केदार जी के तो बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल और जवाब का सिलसिला यहीं पर थमता है। हमारे इस कार्यक्रम के दो पड़ाव होते हैं जिसमें हम लोगों के सवालों को आप तक पहुंचाते हैं, दूसरा पड़ाव जनता जनार्दन होता है जिसमें आपके चहेते लोग यहाँ पर हैं और वो आपसे सवाल करेंगे, आप उससे कुछ बातें करेंगे। तो मैं जज साहब से अनुमति चाहूँगा कि जनता जनार्दन को घर पर आमंत्रित किया जाए। नमस्ते सर, जब आप जनपद सदस्य थे शिक्षकों की भर्ती की थी किस प्रारूप में की थी? देखिए मैं जनपद सदस्य था अकेला, कुल 3 सदस्य थे हमारे साथ, 2 और थे, कमेटियां बनने लगी तो शिक्षा समिति एक बनती है तो धोखे से उन लोगों ने हमको शिक्षा समिति में रख दिया। संयोग से कांग्रेस की सरकार भी थी और इंद्रजीत शिक्षा मंत्री भी थे, वहाँ से एक नियम कानून बना कि भाई शिक्षा समिति के माध्यम से इसकी नियुक्तियाँ की जाएं, तो संयोग से मैं उस शिक्षा समिति में एक सदस्य था। भर्तियाँ शुरू ही बहुत सारी भर्तियाँ थी, 300-400 जगह थी उसमें, 300 से कुछ ऊपर थी, 7 लोगों की कमेटी थी, 7 में 6 कांग्रेस के थे, मैं अकेला था। और वो चाहते थे कि भ्रष्टाचार वाला हो जाए काम, तो हमने कहा ऐसा नहीं होगा, जो वास्तव में उसके होने के लायक है वही होगा, और आपको भी करना है तो उसी हिसाब से करेंगे, नहीं तो हम सब में आपत्ति करेंगे।
उन सब लोगों ने भी तय किया कि नियम कानून से हो जाए, जिसके जितने फंस जाएंगे फंस जाएंगे। शिक्षा कर्मी बहुत बड़ा पद नहीं था उस समय, बिल्कुल 500 रुपए की भर्ती होती थी, 500 रुपए में शिक्षा कर्मी बनाए गए थे, तो बड़ा इंटरेस्ट भी किसी को नहीं था। उस पर भी ये हुआ कि इनका आदमी कोई ना आने पाए, तो भाई जो शिक्षित है उसको तो आना है। अब किसी के पास ये दम नहीं भी था कि गलत कर जाए हमारे रहते हुए, चाहे वो 7 हो चाहे 8, हमारा ऑब्जेक्शन लिखो, उसके बाद अपना करो जो करना है। नहीं कर पाए, सही लोगों का हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों का हुआ, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता उस समय के थे सब पढ़े लिखे थे। बहुत सारे हमारे वो कार्यकर्ता टीचर हैं, 60-70 हज़ार रुपये पा रहे हैं। लोगों को ताजुब था कि ऐसा कैसे हो गया। फिर उसके दोबारा फिर से हुआ, वो तो पहले 500 वाला था, फिर उसके बाद उनको छोड़ करके फिर से इंटरव्यू लाया गया, उनको ये कहा गया कि 5 अंक इनको बोनस दिया जाएगा। तब तक जनपद सदस्य हम थे उसी उसमें, उसमें भी आवेदन पड़े ढंग से, आवेदन लिए गए, बहुत सारे रिजेक्ट किए गए, बहुत सारे लोगों के बचे। हमारा प्रयास था कि हमारे ज़िले के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, बाहर से लड़के ना आएँ। उन लोगों का क्या था कि जो पैसा देने वाला बाहर से आए उसको ले लिया जाए, भले वो कम नंबर का हो। हमने फिर लोगों को समझाया कि ये गलत है, आप अपने लोगों का करिए, भविष्य में आपको साथ देंगे। एक उपाध्यक्ष हमारे आदिवासी भाई थे यहीं पोखरा के, वो अध्यक्ष कमेटी के, हमने उनको भी समझाया कि आप गलत कर रहे हैं, आप दस्तखत हर काज कर देते हैं ठीक नहीं है, उचित हो वहाँ दस्तखत करिए, तो वो भी ना कर दिया। एक दो सदस्य इसी तरह और चले आए हमारे साथ, तो 7 में 4 करीब हमारे साथ चले आए, और 2-3 दिन बाद जब भर्तियाँ शुरू हुई, इंटरव्यू शुरू होने लगा, तो सबके सब हमारे साथ आ गए। भर्तियाँ हुई, लीगल भर्तियाँ हुई, उसके बाद मंत्री का फोन आया कि यहाँ से निर्णय नहीं होगा, सब कलेक्टर करेगा। पूरे बस्ते चले आए कलेक्टर को, लेकिन पावर तो उसी कमेटी को था। कलेक्टर ने जांच किया, सब देखा, सब सही था, और फिर से वापस कर दिया, फिर से उसी जनपद में वही डिक्लेयर करेंगे, वही फिर से हुआ, जो होना था वही फिर से हुआ। अब 7 लोग हमारे साथ हो गए, कांग्रेस का नाम छोड़ दिया उन लोगों ने। इंद्रजीत के सगे रिश्तेदार थे, जिससे जगजीवन पटेल, उनके सगे रिश्तेदार बहुत खास आदमी, वो भी हमारे साथ, उन्होंने कहा कि नहीं नियम था। अच्छी भर्ती हुई, लोग खुश रहे, काम कर रहे हैं, धीरे 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 बताने का 60 हज़ार रुपये प्राप्त कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। आदिवासी हरिजन के थे, उनकी सीटियाँ भरी गई, सब उनसे पूछिए, वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो सवालात और इल्जामात का सिलसिला यहीं पर थमता है। आज हमारे इस कटघरे पर, आज के सुगंध की कचहरी पर मेहमान के रूप में जो लगभग 4 दशकों से राजनीति पर सक्रिय हैं, वो आदरणीय शिव बहादुर सिंह चंदेल जी आज हमारे इस कटघरे पर उपस्थित रहे विशेष मेहमान के रूप में। कई आरोप लगाए गए, उस आरोप की पैरवी भी स्वयं शिव बहादुर सिंह चंदेल जी ने की, लेकिन वो अपने आरोपों की किस तरह से पैरवी किए हैं, अपनी बात को किस तरह से सिद्ध कर पाए हैं, आज के निर्णायक, आज के जज हमारे माननीय उपस्थित हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि आज के निर्णय की भूमिका निभाएं और आज का फैसला सुनाने की कृपा करें। तमाम दलील सुनने के बावजूद अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि सम्माननीय श्री शिव बहादुर सिंह जी बाइज्जत इस न्यायालय से बरी किए जाते हैं। अदालत की कार्रवाई स्थगित की जाती है। सवालात और जवाब का सिलसिला यहीं से थमता है और हमारे आज की सुगंध की कचहरी से शिव बहादुर सिंह जी बाइज्जत बरी होते हैं। फिर किसी न किसी व्यक्ति के साथ, सामाजिक मुद्दों के साथ नए प्रारूप में हम एक बार फिर से आप तमाम लोगों के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।